मी टू यानी मैं भी या मेरे साथ भी। 25 सितंबर 2018 के बाद से सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हुई ढेर सारी भारतीय महिलाएं सोशल मीडिया पर हैशटैग मी टू के साथ अपनी कहानियां बयां कर रही हैं। पर ये हैशटैग मी टू है क्या, क्यों इसे एक आंदोलन माना जा रहा है और इससे महिलाओं का क्या फायदा हो रहा है, ये सब हम जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर है क्या ये मीटू मूवमेंट, ये महिलाओं पर होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और रेप के खिलाफ एक आंदोलन है जिसमें महिलाएं मीटू हैशटैग्स के साथ अपनी कहानियां बता रही है। वे बता रही है कि उनकी जिंदगी में कब किसी प्रभावशाली या उनके करीबी शख्स ने उन्हें सेक्सुअली हरेस किया। मीटू के साथ महिलाएं ताजा मामलों से लेकर पुराने मामले सामने ला रही है कि किस तरह से उन्हें प्रभाव या शारीरिक ताकत से मजबूर करके सेक्सुअली हरेस किया गया था। तो चलिए अब देखते हैं कब शुरू हुआ ये मीटू मूवमेंट। मीटू आंदोलन की असल शुरुआत तो 2006 में ही हो गई थी, लेकिन यह प्रचलन में आया अक्टूबर 2017 में। 16 अक्टूबर 2017 की दोपहर में अमेरिकी एक्ट्रेस एलिसा मिलानो ने सेक्सुअल हरेसमेंट की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने हैशटैग मीटू का इस्तेमाल किया। एलिसा के इस ट्वीट का असर ये हुआ कि दिन खत्म होते होते हैशटैग मीटू के साथ 2 लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए और 17 अक्टूबर तक 5 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके थे। फेसबुक पर पहले 24 घंटों में 45 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी 1 करोड़ 20 लाख पोस्ट में हैशटैग मीटू का इस्तेमाल किया था। इनमें से 45% लोग अमेरिकी थे। लाखों लोगों ने ये हैशटैग इस्तेमाल किया और हजारों लड़कियों ने अपने खिलाफ हुए सेक्सुअल हरासमेंट की कहानी बताई। हैशटैग मीटू के वजह से पहला सबसे बड़ा भूचाल हॉलीवुड में आया। उसके बाद धीरे धीरे ये मूवमेंट बॉलीवुड में भी फैल गया। तो चलिए अब देखते हैं भारत में कैसे फैला मीटू मूवमेंट। अक्टूबर 2017 में जब अमेरिका में मीटू आंदोलन चला तो इसका कुछ असर भारत में भी देखने को मिला। कई महिलाओं ने बताया कि कैसे उनके वर्क प्लेस पर उन्हें सेक्सुअली हरेस किया गया, लेकिन भारत में ये आंदोलन सही मायने में 25 सितंबर 2018 से शुरू हुआ जब बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने एक्टर नाना पाटेकर के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में तनुश्री ने कहा कि साल 2008 में फिल्म आई हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें सेक्सुअली हरेस किया। तनुश्री के बाद भारत की फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की तमाम महिलाएं आगे आई और उन्होंने एक से एक दिग्गज कलाकारों का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने काम देने के बहाने उन्हें सेक्सुअली हरेस किया था। इस क्रम में नाना पाटेकर, एमजे अकबर, विकास बेल, पीयूष मिश्रा, सुभाष गाय, रजत कपूर, वरुण ग्रोवर, साजिद खान, सुभाष कपूर, कैलाश खेर, चेतन भगत, अभिजीत भट्टाचार्य और भी कई सारे एक्टर्स का नाम आया जिनके खिलाफ महिलाओं ने सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया। गूगल ने तो मी टू मूवमेंट पे एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी बनाई है, मी टू राइजिंग। ये उन शहरों को दिखाता है जहां मी टू कैंपेन ट्रेंड में है, वो भी डेट्स के साथ, और वर्तमान में इंडिया सबसे ऊपर है। गूगल के मुताबिक पिछले एक साल में दुनिया के सभी 195 देशों में मी टू की खोज की गई है। मीटू अभी भी भारत में गूगल पर सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक है। मीटू आंदोलन ने ट्विटर पर गति प्राप्त की और फेसबुक पर इस टॉपिक को उठाया गया था। हालांकि इंस्टाग्राम पर ये सबसे डिस्कस टॉपिक में से एक है करीबन 15 लाख पोस्ट के साथ। मीटू मूवमेंट के जरिए विमेंस को एक नई होप मिली है खुद के साथ जस्टिस करने की। आप सब इस मूवमेंट के बारे में क्या राय रखते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।